पाप संसार में प्रवेश करते। आदम और ओकर पत्नी सुंदर बगिया में बनेच खुशी ले रहत रहिन। ये बगिया परमेश्वर ओमन बर बनाए रहिस। ओमन कपड़ा नहीं पिंधत रहिन, लेकिन ओमन लाज महसूस नहीं करिन, काबर कि संसार में पाप नहीं रहिस। ओमन सब दिन उ बगिया में टहलत रहिन और परमेश्वर ले गोइठ मन करत रहिन। लेकिन उ बगिया में एक ठन सांप रहिस, ओहर बनेच चालाक रहिस। ओहर स्त्री ले पूछिस, का सच मा परमेश्वर हर तोर ले कहिस कि ई बगिया के कोनो रुख के फल ला नहीं खाबे। उ स्त्री हर उत्तर दिस, परमेश्वर हर हमन ला कही से हमन भलाई और बुराई के ज्ञान के रुख ला छोड़ के कोनो घोले रुख के फल ला खा सकत हन। परमेश्वर हर हमन ला कहिस कि अगर तुमन उ रुख के फल ला खाहा या ओला छुईहा घोले तो तुमन मर जाहा। उ सांप हर स्त्री ला उत्तर दिस, इ सच नहीं है, तैनी मरस। परमेश्वर खुद जानते कि ते जैसने उ फल ला खाबे तते परमेश्वर के बराबर हो जाबे और ओकर जैसन भलाई और बुराई ला समझे लागबे। उ नारी हर देखिस कि उ रुख के फल खाए बर बढ़िया है और देखे मा मनभाऊ है। ओहर घले बुद्धिमान बने बर चाहत रहिस, इकर बर ओहर फल ला टोर के खा लिस। फेन ओहर अपन पति ला उ फल दिस जो नोकर संग रहिस और ओहर घले खा लिस। तुरतेच ओमन के आँखी मन खुल गिन और ओमन ला पता चलिस कि ओमन नंगरा रहिन। ओमन हर पान मल्ला सिल के ओकर कपड़ा बना के ओमन ले अपन शरीर ला ढाके के कोशिश करिन। तब परमेश्वर और ओकर पत्नी हर उ बगिया मा टहलत परमेश्वर के आवाज ला सुनिन। ओमन दोनों परमेश्वर ले लुका गिन। तहां परमेश्वर हर पुरुष ला नरियाइस, ते कहाँ हस? आदम हर उत्तर दिस, मैं तुमन ला बगिया मा टहलते सुने और मैं डर गे रहे, काबर कि मैं नंगरा रहे, इकर बर मैं लुका गए। फेन परमेश्वर हर पूछिस, तोला कोने बताइस कि ते नंगरा हस? का ते हर उ फल खाए हस जोन ला खाए बर मैं हर तोर ले मना करे रहे? पुरुष हर उत्तर दिस, ते हर मोला जोन इनारी दे हस ओ हर मोला उ फल दिस। तहां परमेश्वर नारी ले पूछिस, ते हर ई का करे हस? उ नारी हर कहिस, सांप हर मोला बहका दे है। परमेश्वर हर सांप ले कहिस, ते श्रापित अस, ते अपन पेट के बल मा रेंगबे और माटी ला चाटबे। ते और ई नारी एक दूसर ले घृणा करी हा और तोर संतान और इकर संतान एक दूसर ले घृणा करी ही। ई स्त्री के वंशज हर तोर मुड़ी ला कुचली ही और ते हर ओकर एड़ी ला काटबे। तहां परमेश्वर हर नारी ले कहिस, मैं तोर संतान जन्माए के बेरा के दुख ला बनेच बढ़ाहा और ते अपन पति के लालसा करबे और ओहर तोर ऊपर राज करही। परमेश्वर हर पुरुष ले कहिस, ते हर अपन पत्नी के सुने हस और मोर आदेश ला नी माने हस, इकर बर भुइयां श्रापित होए हे और तोला अन्न उगाए बर कड़ी मेहनत करे के होही। फेन ते मर जाबे और तोर शरीर माटी मा मिल जाही। उ पुरुष हर अपन पत्नी के नाम हव्वा राखिस, जेकर अर्थ है जीवन दे वाला, काबर कि ओहर सब मनसे मन के आदि माता होही और परमेश्वर हर आदम और हव्वा ला जानवर के खाल ले बने कपड़ा ला पिंधाइस। फेन परमेश्वर हर कहिस, अब भलाई और बुराई ला जाने ले मनसे हमर जैसन हो गे है, इकर बर ओमन ला उ जीवन के रुख के फल ला खाए बर नी दे के चाही कि ओमन खा के हमेशा बर जीवित रहे। इकर बर परमेश्वर हर आदम और हव्वा ला बगिया ले बाहर निकाल दिस और परमेश्वर उ बगिया के प्रवेश द्वार मा ताकतवर सरग दूत मन ला पहरा करे बर लगा दिस, ताकि कोनो घोले उ जीवन के रुख के फल ला खान नी सके। उत्पत्ति अध्याय 3 ले बाइबिल के एक ठन कथा।